थैंक यू सो मच नेहा। ठीक है चलो। ओके क्लोरोफाइसी ग्रीन इन कलर, फियोफाइसी ब्राउन इन कलर, रोडोफाइसी आर इज रोडो, आर से रेड याद रखना, क्लोरोफिल से सी याद आ जाएगा, क्लोरो से ग्रीन याद आ जाएगा, ग्रीन हो गया, बचा क्या पीओफाइसी ब्राउन हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें, इजी टू रिमेम्बर। अब देखो इनका डिफरेंस कैसे हुआ, हमने पिगमेंट्स देखे थे स्टार्टिंग में, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सारे देखे थे, वही इनको डिफरेंशिएट करते हैं, स्टोर्ड फूड मटेरियल इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे प्लांट है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में सेव होता है फूड, है ना, स्टार्च के फॉर्म में फूड सेव होता है, वैसे इनमें किसके फॉर्म में फूड स्टोर होता है ये सब देखते हैं इसमें। फिर हम देखते हैं कि सेल वॉल किस कैसे कैसी है सब में, सेल वॉल जो है किस मटेरियल से बनी हुई है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम नंबर ऑफ फ्लैजेला देखते हैं कि इन क्लोरोफाइसा में जितने अल्गी आते हैं उनके जो गेमीट्स हैं उनमें फ्लैजेला कितने होते हैं, इक्वल है, अनइक्वल है, अपाइकल है, लेटरल है, एब्सेंट है, जो भी हम यहाँ देखने वाले हैं। और हैबिटेट हम देखने वाले हैं कि मोस्टली क्लोरोफाइट से कहाँ मिलेगा, मोस्टली फियोफाइट से कहाँ मिलेगा। देखो ये जितने कैरेक्टर्स हैं सारे जनरल कैरेक्टर्स हैं, आप इसको एकदम फिक्स्ड कैरेक्टर नहीं मान सकते हो, सारे जनरल कैरेक्टर मतलब फ्रेश वर्ड रहे हैं, बट काफी क्लोरोफाइसी आपको मराइन में भी मिलेंगे, ब्रैकिश में भी मिलेंगे, ठीक है ये ठीक है। चलो इसके एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं, क्लोरोफाइसी इज ग्रीन अलगी याद है, क्लोरो से ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन अलगी है तो मेजर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी, अगर कोई चीज ग्रीन है ना तो क्लोरोफिल ए एंड बी विल ऑलवेज बी देयर, क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स, ठीक है। पिगमेंट्स है, डिटेल में नहीं जाना, केमिकल फॉर्मूला है आपकी जो भी है हमें कुछ नहीं करना, पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस में काम आएगा, कैरोटीनॉइड जेंथोफिल्स डिफरेंट कलर देने के लिए काम आता है, इनके और भी फंक्शंस होते हैं जो हमें डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है क्लोरोफिल ए एंड बी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स। अब देखो स्टोर्ड फूड मटेरियल, फूड जैसे प्लांट है, प्लांट फूड बना तो लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है फूड बना लेगा, बट एट प्रेजेंट अगर उसको जरूरत नहीं है उस फूड की तो व्हाट इट डज इज वो स्टोर कर लेता है, मे बी इन रूट्स, मे बी इन स्टेम, ठीक है। जैसे पटेटो हम करते हैं, पटेटो स्टोर्ड फूड मटेरियल ही है उसका, पटेटो इज स्टार्च, पटेटो में क्या होता है स्टार्च होता है, जो पटेटो प्लांट है फूड बनाता है वो अपने रूट्स में जाके स्टोर कर देता है, रूट्स पटेटो, ठीक है समझ रहे हो क्या होता है, ऐसा है। तो स्टार्च के फॉर्म में एंड शुगर के फॉर्म में ये स्टोर करता है, क्लोरोफाइसी स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में स्टोर करता है। अब सेल वॉल है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक कंपाउंड है जिसकी मोस्टली जो प्लांट्स की में जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज पेक्टिन ये सब काफी चीजें होती है, बट इस पर्टिकुलर थिंग में किसकी बनी हुई है सेल्यूलोज की। हम आई थिंक जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो नेक्स्ट यूनिट है जो सेल वाली यूनिट है उसमें वी विल बी डूइंग द स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स हैं सेल वॉल के, फंक्शंस क्या है, सेल वॉल बनी कैसे है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल वॉल वो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ याद रखना क्लोरोफाइसी की सेल वॉल जो है क्या है सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज से बनी हुई है। नंबर ऑफ फ्लैजेला याद रखना 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं, इट विल बी इक्वल, ऑड नंबर नहीं होगा, इक्वली होंगे हमेशा, ठीक है। अपाइकल होगा, एपेक्स पे होगा, अपाइकल समझते हो ना, टॉप पे, मतलब अगर कोई चीज है जैसे ये पेन है तो जैसे उसकी एपेक्स पे होगा, टॉप पे होगा, उसे टॉप एंड बॉटम पता नहीं चलता तो मैं एपेक्स ही मानते हैं इसको हम, ठीक है। दिस इज एपेक्स, ये एंड ये, एंड साइड से अगर आता है दिस इज लेटरल, अगर इस तरफ से आता है इस तरफ से आता है लेटरल, ये एपेक्स हो गया उसका, ठीक है। 2 से लेके 8 नंबर तक वेरी करेगा नंबर ऑफ फ्लैजेला, पोजीशन क्या हो, दे विल बी ऑलवेज दे विल बी इक्वल, इक्वल इन द सेंस जो फ्लैजेला होंगे जैसे 2 हैं, अगर 2 हैं तो 2 विल बी इक्वल इन साइज, ऐसा नहीं कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ये नहीं होगा, इक्वल होंगे साइज, ठीक है। पोजीशन क्या होगी, अपाइकल पोजीशन होगी, पोजीशन क्या होगी, अपाइकल पोजीशन होगी। हैबिटेट क्या है, देखो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर आपको बताता हूँ क्या होता है, फ्रेश वाटर इज फ्रेश वाटर हमारे लेक्स पॉन्ड्स में जो मिलता है, रिवर्स में जो मिलता है दैट इज फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर इज मराइन वाटर जो ओशंस में मिलता है दैट इज सॉल्ट वाटर। अब एक ऐसी जगह आती है जहां पे सॉल्ट वाटर, जहां पे सॉल्ट वाटर अपना फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर कंबाइन करेगा, है ना। देखो मान लो ये है अपना कौन सी नदी, गंगा है, हाँ डेल्टाज बोलते हैं उनको, उस पर्टिकुलर जगह को हम डेल्टाज बोलते हैं, तो वो जो रिवर जब आके बे ऑफ बंगाल में जब मिलेगी, मैंग्रोव्स नहीं, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स, मैंग्रोव्स आर प्लांट्स,
बट उन जगह पे होते हैं वो, दे आर फाउंड नियर द जहाँ पे उनका मेल होता है, लाइक ओशंस का एंड रिवर्स का, वहां पे ये मैंग्रोव्स मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ब्रैकिश वाटर कहाँ होता है, जहां से फ्रेश वाटर जैसे हमारी रिवर है जब वो ओशन में जाके कंबाइन करेगी ना, तो वो पर्टिकुलर जगह पे सैलिनिटी थोड़ी कम होगी, वो ना ही वाटर फ्रेश होगा, वो ना ही वाटर एक्सट्रीमली सॉल्टी होगा एज ओशन वाटर। तो उस पर्टिकुलर वाटर को हम बोल देते हैं ब्रैकिश वाटर, दैट इज लेस सॉल्टी एंड नॉट इवन फ्रेश। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ये तीनों जगह पे मिलेगा, सॉल्टी वाटर पे भी, फ्रेश वाटर पे भी, ब्रैकिश वाटर पे भी। क्लोरोफाइल से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। फियोफाइसी, देखो फियो हमने पता था, याद किया, देखो क्लोरो से ग्रीन याद आ जाएगा, आर है, आर से रेड आ जाएगा, बचा हुआ है इस ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी बहुत इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम आगे देखने वाले हैं इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में। ठीक है, ब्राउन एल्गी में देखो क्या होता है, क्लोरोफिल ए है एंड सी है, याद रखना, यहाँ पे ऊपर है बी, यहाँ पर है सी। फिर इसमें कंपाउंड होता है फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब इनका कुछ नहीं कर सकते, आपको ये जो तीन चीजें हैं ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी केमिस्ट्री में हम अगर घुसते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है, वो फिर भी याद नहीं होने वाला, तो आपको ये चीजें याद ही रखनी है, बाकी जितनी बार पढ़ोगे ना ये याद हो जानी है, इसमें कुछ नहीं होता। दो तीन बार अगर क्वेश्चंस कर लोगे ना इसके तो याद हो जाएगा। क्लोरोफिल ए एन सी याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, ए एन सी तो याद ही है, ऊपर ए एन बी, ए एन सी, ए एन डी, अगर इसी वे में अगर हमेशा चार्ट याद करोगे ना, ए बी, ए एन बी, ए एन सी, ए एन डी, क्लोरोफिल याद हो गया। यहाँ पे कैरोटीन जेंथोफिल्स बेसिक होते हैं, ये वाले कैरोटीन जेंथोफिल्स बेसिक होते हैं, ये तो है ही है। यहाँ पे क्या है, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन, बीटा कैरोटीन, तीन अलग नाम याद हुए हैं। फ्यूको एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखो दोनों, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन, बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोफिल ए एन डी, इसमें रोडोफाइसम में, यहाँ पे क्या है, फाइको एरिथ्रिन एंड फाइको साइनिन, याद रखना फाइको बोलते हैं इसको, पीएच वाई, फाइको एरिथ्रिन, फाइको एरेथ्रिन। एरेथ्रिन देखो एक कंपाउंड होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो वी यूज एरेथ्रिन एज अ डाई, रेड कलर का होता है इसको हम ना, जो हमारे सेल्स होते हैं उनको स्टेन करने के लिए, स्टेनिंग समझते हो, अगर सेल को हमको माइक्रोस्कोप में देखना है ना, तो हम सेल को पहले स्टेन करते हैं, कलर देते हैं ताकि वो हमें विजिबल हो, तो वो जो स्टेनिंग होता है एरेथ्रिन से करते हैं, एरेथ्रिन। तो वो एरेथ्रिन जहां भी याद आ जाता है ना, इट गिव्स अ रेड कलर, एरेथ्रिन जहां भी आ जाता है हमें क्या देता है, कि रेड कलर देता है। याद रखना रोडोफाइसी इज रेड, रेड कलर। क्लोरोफिल ए एन डी, ए एन बी, ए एन बी, ए एन सी, ए एन डी, कैरोटिन्स, जेंथोफिल्स, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड यहाँ पे फाइको एरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन। एरेथ्रिन याद रखो कैसे भी करके, कि एरेथ्रिन इज रिलेटेड टू रोडोफाइसी, एरेथ्रिन इज रिलेटेड टू रोडोफाइसी, ये चीज याद रखना। स्टोर्ड फूड मटेरियल का देख लिया, इसका स्टार्च है, इसका शुगर है। फियोफाइसी इसका है मैनिटॉल एंड लेमिनरिन, एल ए एम आई एन ए आर आई एन, अगर वो विजिबल नहीं है तो लिख लो मैनिटॉल एंड लेमिनरिन। इसमें क्या होगा, देखो ये चीज याद रखना, क्लोरोफाइसी स्टार्च एंड शुगर बहुत बेसिक है, बेसिक प्लांट है क्लोरोफाइसी। फियोफाइसी थोड़ा एडवांस फॉर्म में निकलते हैं, क्योंकि ब्राउन कलर आ रहा है, देखो उस पर्टिकुलर एल्गी को ब्राउन कलर आ रहा है, तो इसमें जो फूड स्टोर होगा ना उस थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज नाउ द पर्टिकुलर थिंग इज नॉट ग्रीन, इट इज नॉट ग्रीन, दो इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑल, सब कर रहा है। ये मत समझना कि उसके पास अगर ग्रीन का कलर का नहीं दिख रहा है, वो क्लोरोफियोफाइसी अगर ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इट इज नॉर्मल, लाइक इट्स लाइक अ नॉर्मल एल्गी, सब कर रहा है, जस्ट कि बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ दीज पिगमेंट, सी फ्यूकोजेंथिन एंड फ्लेवोजेंथिन बीटा कैरोटीन, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थ्री अदर पिगमेंट्स व्हाट हैपेंस इज द कलर बिकम्स ब्राउन। सेम थिंग गोज हेयर, इफ क्लोरोफिल ए एंड डी इज ओके, दे आर गिविंग ग्रीन कलर एंड दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस में, दे आर हेल्पिंग, क्लोरोफिल, 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 फोटोसिंथेसिस में दे आर हेल्पिंग, बट व्हाट्स द डिफरेंस इज फाइको एरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग अ रेड कलर टू दैट एल्गी। क्या कर रहे हैं वो लोग, एक रेड कलर दे दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, रोडोफाइसी को एक रेड कलर दे दे रहे हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे है फूड, स्टोर्ड फूड मटेरियल में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, शुगर स्टार्च एंड शुगर, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिया एंड यहाँ पे फ्लोरिडीन बोलते हैं इसको, फ्लोरिडीन स्टार्च, दिस इज वन वर्ड, फ्लोरिडीन एंड स्टार्च अलग अलग वर्ड होंगे, नॉट वन, अलग अलग होंगे। स्टार्च एंड शुगर, मैनिटॉल लेमिनेरिया, मैनिटॉल लेमिनेरिया याद रखना, बहुत क्वेश्चन है संडे के एग्जाम में भी है। फ्लोरिडीन एंड स्टार्च रोडोफाइसी, फ्लोरिडीन एंड स्टार्च रोडोफाइसी, कोई वो नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा इसको, और ये याद हो जाता है, डोंट वरी, अगर आप चार्ट को चार्ट के वे में यूज कर इसको याद कर रहे हो ना, तो इजीली याद हो जाएगा, जस्ट
रिमेम्बर इसको ट्राई करना आज, अगर आपकी इसके बाद क्लास नहीं है फिर इन द इवनिंग ट्राई करो कि ये चार्ट खुद से बना के एक बार देख लो। एक बार बना लिया ना, इट्स मोर देन सफिशियंट आपको याद रखने के लिए, आराम से याद हो जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे फ्लैजेला देख लिया था, 2-8 इक्वल अपाइकल पे, यहाँ पे है दो ही होंगे, ब्राउन एल्गी में दो ही होंगे, अनइक्वल होंगे, एक की लेंथ ज्यादा होगी एक की कम होगी, एंड लैटरली होंगे। इफ दिस इज एन एल्गी तो लैटरली होंगे, एपेक्स पे नहीं होंगे, नॉचेस पे नहीं होंगे, ना ऊपर ना नीचे, इट विल बी लैटरली साइडवेज, लाइक लीव्स जैसे होते हैं प्लांट्स के अंदर, लैटरली होंगे वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, रोडोफाइसी, बहुत बढ़िया, एबसेंट ही है। ठीक है, रोडोफाइसी में क्या है, एबसेंट ही है ही नहीं। ठीक है, एबसेंट है। हैबिटेट देखते हैं, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश सॉल्ट वाटर, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश वाटर इज रेयर, ब्रैकेट में देखो, फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेगा, फ्रेश वाटर में रेयरली मिलेगा, ब्लैकिश ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्टी वाटर में ही मिलेगा, ब्रैकिश वाटर सॉल्टी वाटर में मिलेगा। यहाँ पे क्या, फ्रेश वाटर में थोड़े बहुत मिलेंगे बट मिलेंगे, यहाँ पे रेयर है, बहुत ही रेयरली मिलेगा फ्रेश वाटर में, मोस्टली कहाँ मिलेगा, ब्रैकिश एंड सॉल्ट में। यहाँ पर देखो, फ्रेश वाटर में थोड़े बहुत हैं बट ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर में है बहुत सारे, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर में है। ठीक है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आया या फिर कुछ डाउट है तो जल्दी से बताओ, अगर नहीं है तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अल्गी, दैट विल बी दी लास्ट टॉपिक ऑफ अल्गी, उसके बाद हम विल जंप ऑन टू ब्रायोफाइट्स। जल्दी से बता दो यहाँ पे, इफ यू ऑल आर लिसनिंग एंड नॉट स्लीपिंग, अथर, सानिका, साहिल, जयदीप, चार, रुचिता, पांच, सकलू, एक मिनट, ओके, सरिता, भक्ति, प्रतीक, प्रिया, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो ये किसने पूछा है, कौन है, नुपुर। क्लोरोफिल ए एंड बी का क्या मतलब होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी आर टाइप्स ना, देखो क्लोरोफिल बहुत टाइप्स के होते हैं, ए बी सी डी, तो क्लोरोफिल ए एंड बी ये टाइप हैं उसके, इसमें क्या कंफ्यूजन है, तो मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, टाइप्स हैं क्लोरोफिल के, अलग अलग टाइप हैं क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैसे विटामिन है, विटामिन के टाइप है, विटामिन ए बी सी डी जेड, पता नहीं बहुत है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, सारे विटामिन के टाइप्स हैं। ठीक है, कोई वो उसमें वो नहीं है, टाइप्स हैं बस, टाइप से करते जाओ उसको। ठीक है, सबको समझ में आ गया, अब एक बार जल्दी से आपकी अटेंडेंस दे दो, मैं उसको कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आप नहीं एब्सेंट मार्क हो जाओ, जल्दी से अपनी अटेंडेंस दे दो प्लीज, सभी दे देना, बिकॉज आई थिंक 11 पीपल आर देयर अभी के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी 8, 9 किसने नहीं किया अभी तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, yes, just give me 1 minute, आप एक बार चार्ट वापस से देख लो। ठीक है, देख लिया, चलिए नेक्स्ट टॉपिक इस पे चलें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे पढ़ेंगे हम, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको डायरेक्टली कोई नहीं पूछेगा, देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस डायरेक्टली आपको कोई नहीं पूछेगा,
बस आप जब भी अगर आपको कोई बोल देता है अल्गी एक्सप्लेन करना, अल्गी के बारे में सारी कैरेक्टर्स बताना, तो हमने जो स्टार्टिंग में देखो 6 पॉइंट्स पढ़े थे ना कि हम उनका देखेंगे, हैबिटेट देखेंगे, ऑकरेंस देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, तो उसी में एक एक छोटा लास्ट टॉपिक था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो ये लिखना जरूरी है। तो हम पर्टिकुलर हम अल्गी पे इतनी स्टडी कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है उसका, है ना, अल्गी क्या है इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में, तो वो हमें देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखेंगे, देखो पहला इंपॉर्ट पहला पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये आपने कहीं पर पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, पढ़ा है इससे पहले, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा है इससे पहले कभी? यस 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 यस, पढ़ा पढ़े पढ़े, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि एनवायरनमेंट में यानी नेचर में, ऐसे अभी आपके सामने जो नाइट्रोजन है किस फॉर्म में अवेलेबल है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल है? गैस तो है, किस फॉर्म में, लाइक हाउ डू यू राइट नाइट्रोजन? N2, यस N2 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फ्रॉम प्रतीक, N2 के फॉर्म में होता है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, केमिस्ट्री वाला थोड़ा आता है मेरे को, याद है थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बिटवीन दीज टू एन, इफ यू हैव डन केमिस्ट्री अ लिटिल बिट? ओके, 3 3 3 3, एंड इज अ थ्री बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इज इट इजी टू ब्रेक और इज इट टफ टू ब्रेक, टेल मी, ट्रिपल बॉन्ड इज इट इजी टू ब्रेक और इज इट टफ टू ब्रेक? टफ 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 टफ, वेरी टफ टू ब्रेक। एंड अब आप मुझे बताओ, जो नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजन प्लांट में अब्जॉर्ब कौन कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स नॉर्मली कौन अब्जॉर्ब करता है प्लांट्स में? अब्जॉर्प्शन का काम किसका है? रूट्स का, रूट्स का है, ठीक है। रूट्स में भी रूट हेयर्स का काम है, स्पेसिफिकली अगर आप डिटेल में जानना चाहो, रूट्स आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल, रूट हेयर तो और भी माइक्रोस्कोपिक हो जाते हैं, इट्स मोर थिनर देन आर हेयर, उससे भी पतले होते हैं वो। अब इतने पतले हेयर, हाउ कैन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ब्रेक दिस नाइट्रोजन? N2 के फॉर्म में तो हम ले ही नहीं सकते हैं उसको, N2 के हम मतलब प्लांट्स, N2 के फॉर्म में हम प्लांट्स नहीं ले सकते उसको, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक। अब रूट तो ब्रेक कर नहीं सकता, रूट तो इतना थिन है, इतना फाइन है, इट उसको पावर ही नहीं है ब्रेक करने की, वो नहीं कर सकता। यस, तो व्हाट हैपेंस इज देर आर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ये भी डिटेल में आता है आगे चल के कहीं पर, रिमेम्बर ये भी आगे चल के आएगा। तो व्हाट हैपेंस इज समटाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं ब्रेकिंग ऑफ दिस N2 बॉन्ड। तो ब्रेक करने के बाद ये N2 को किस फॉर्म में प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है, वो आपको अगर पता हो तो बताओ, N2 नाइट्रोजन को किस फॉर्म में देन प्लांट अब्जॉर्ब कर लेता है? इफ नॉट इन N2 देन व्हाट फॉर्म? अमोनिया, NH3, करेक्ट, NH4 को भी ब्रेक कर लेते हैं, NH4 भी बोल सकते हो अमोनिया है, विच इज मोस्टली नाइट्रेट नाइट्राइट फॉर्म ऑफ, फॉर्मूला उसका ढूंढते रहना, NH3, NH3- NH3+ जो भी होता है, वो केमिस्ट्री इतनी भी अच्छी नहीं है, तो इट इज यूजली अमोनिया के फॉर्म में तो ले ही लेता है। नाइट्रेट नाइट्राइट, नाइट्रेट RATE RITE, नाइट्रेट नाइट्रेट के फॉर्म में ले लेता है, ठीक है। चलो आपको एक बेसिक पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है, आपको बेसिक पता चल गया। अब देखो इसमें क्या, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम 50 स्पीसीज, एक बार रीड करते हैं पहले, उसके बाद अगर कोई डाउट रहा तो देखेंगे। सम 50 स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन अल्गी आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन सॉइल। तो ये जो अल्गी है ना, ये जो अल्गी है क्या करते हैं हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, वो नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। कौन करता है ये काम? अल्गी करते हैं, उसमें भी कौन से अल्गी करते हैं? एनाबेना, ऑलुसीरिया एंड सिलेंड्रोस्पर्मम, सिलेंड्रोस्पर्मम। हम जो एग्जांपल पढ़ते हैं दैट इज ऑलवेज नॉस्टॉक, हम जो अभी जहां भी स्टडी भी करेंगे ना, हम नॉस्टॉक की करेंगे, नॉस्टॉक की करते हैं, एनाबेना की करते हैं, नॉस्टॉक एनाबेना, ठीक है, ये दो एग्जांपल है। अंडर अंडर एरोबिक कंडीशन, एरोबिक एनारोबिक कंडीशन, एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यू नो दैट, इतना पता होगा। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय हेटरोसिस्ट, अब हेटरोसिस्ट का डायग्राम एक मिनट देखने तो शायद डाला था,
नहीं लगाया गया। ओके नहीं डाला है शायद डायग्राम। हेटरोसिस्ट इन द सेंस कुछ नहीं होता, देखो सेल्स होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे हमारे, उसमें से एक पर्टिकुलर सेल, व्हाट हैपेंस इज दैट पर्टिकुलर सेल ग्रोज इन साइज। एक पर्टिकुलर सेल ना वो साइज में बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। एंड उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये वहां चलता है। ये हेटरोसिस का स्ट्रक्चर जब नाइट्रोजन फिक्सेशन डिटेल में पढ़ते हैं ना तब आता है, तो बस ये मान भी मान के चलो ये एक स्ट्रक्चर होता है उस सेल के अंदर, उस पर्टिकुलर एल्गी के अंदर। एक पर्टिकुलर सेल क्या होगा, अपने अंदर ना फूड अक्यूमुलेट करने लगेगा। ये आपकी नोटबुक में लिख लेना, हेटरोसिस्ट में क्या होगा, एक सेल अपने अंदर क्या करेगा, फूड अक्यूमुलेट करने लगेगा। फूड, बहुत सारा फूड अक्यूमुलेट करके अपनी वॉल्स को थिकन कर लेगा। उसकी वॉल्स क्या हो जाती है, थिकन हो जाती है। एंड उस पर्टिकुलर सेल के अंदर नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन होता है, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो वही पर्टिकुलर जो हेटरोसिस्ट है, वही पर्टिकुलर सेल जो फूड स्टोर कर करके अपने आप को साइज में बड़ा कर लेता है। तो जब आप माइक्रोस्कोपिकली उसको देखते हो ना, तो बाकी सेल से वो थोड़ा मोटा दिखाई देता है। उस सेल के अंदर नाइट्रोजन क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशन द वेजिटेटिव सेल आल्सो शोज नाइट्रोजिनस एक्टिविटी। ठीक है, एरोबिक कंडीशन में कौन करेगा, हेटरोसिस्ट ही करेगा। एरोबिक कंडीशन में हेटरोसिस्ट ही करेगा, बट एनारोबिक कंडीशन में कौन करेगा, एनारोबिक कंडीशन में जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, दैट इज नॉट हेटरोसिस्ट, हेटरोसिस्ट को छोड़ के बाकी सारे सेल वेजिटेटिव बोल देते हैं हम, वेजिटेटिव सेल, वो सारे सेल नाइट्रोजनस एक्टिविटी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कोई डाउट है? अल्गी बहुत हेल्प करता है, नॉस्टॉक याद रखना, एना बिना याद रखना, हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें, जल्दी बता दो, सही है, कोई डाउट, डाउट कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है। अल्गी एज फूड, अब बहुत लोग अल्गी कंज्यूम करते हैं बिकॉज प्रोटीन कंटेंट, न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत होता है इसमें। स्पिरुलिना हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, इनमें बहुत सारा प्रोटीन कंटेंट है। सिंगल सेल प्रोटीन जब हम आगे चल के पढ़ेंगे, प्रतीक ने नो सर बोला है, प्रतीक क्या समझ नहीं आया आपको, क्योंकि आपका, हाँ बोलो बोलो, क्या समझ नहीं है मुझे वो बता। अच्छा नो डाउट, अच्छा नो डाउट, मैंने ये पूछा था क्या डाउट है या नहीं है, मुझे लगा मैंने पूछा डाउट क्या है, समझ में आया क्या, मुझे लगा नो सर बोला था, चलो ठीक है। हाँ हम पढ़ रहे हैं अल्गी एज फूड, तो देखो जल्दी से रीड कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है इनमें, सबको ये याद ही रखना है। मैनी अल्गी सच एज क्लोरेला अल्वा एंड ये सिलोरपा एंड एंट्रेमोर्फा एक्सेट्रा आर यूज एज फूड, लोग खाते हैं इनको। अब देखो ये देखो, यहाँ बनते हैं क्वेश्चन, क्लोरेला हैज 50% प्रोटीन। अब कोई तुमसे पूछ ले भाई अल्गी को फूड में यूज करते हैं तो कौन सा पर्टिकुलर अल्गी हमें खाना चाहिए, तो हमें खाना चाहिए क्लोरेला, याद रखना क्लोरेला 50% प्रोटीन होता है एंड 20% ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, 20% लिपिड कार्बोहाइड्रेट, 50% प्रोटीन होगा। ठीक है, क्लोरेला प्रोटीन कंटेन्स द अमाइनो एसिड एसेंशियल फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसके अंदर ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, ऐसे ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो क्या करेंगे, ह्यूमन के लिए काम आते हैं, ह्यूमन के न्यूट्रिशन, ह्यूमन के जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं। किसमें होते हैं, क्लोरेला में होते हैं। ठीक है, अल्वा हैज फॉर्म्ड यूज्ड एंड फॉर्मली यूज्ड इन सैलड एंड सूप सूप्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में सैलड वगैरह में भी यूज करते हैं इसको, अल्वा को गूगल करके देखना, इसको अलवा सैलड करना गूगल, देखना खुद भी बना लेना अगर मन कर रहा हो। ठीक है, अल्गी एज फूड हो गया, कोई डाउट नहीं। अल्गी इन स्पेस रिसर्च, अल्गी एज यू नो ऑटोट्रॉपिक, खुद का खाना खुद बनाती है, खुद का खाना खुद बनाते हैं ये लोग, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो सेम चीज स्पेस में भी यूज करने का हम ट्राई कर रहे हैं। व्हाट हैपेंस इज, इनको हम ऊपर ले जा रहे हैं और इनको हम बोल रहे हैं भाई यहाँ तुम करो, यहाँ तुम ऑक्सीजन रिलीज करो, तो स्पेस फ्लाइट में ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए इनको साथ में ले जा रहे हैं। रिसर्च ही चल रही, कोई अभी तक कंक्लूजन नहीं आया है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स देख लो, एंटीबायोटिक द जीनस क्लोरेला यील्ड्स एन एंटीबायोटिक क्लोरिन क्लोरेलिन, एक मिनट, ये रहा, द जीनस क्लोरेला यील्ड्स एन एंटीबायोटिक क्लोरेलिन व्हिच इज यूज्ड अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, यू विल नो व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इन बैक्टीरिया का अगर हमारे बॉडी में कोई अटैक हो जाता है, तो व्हाट वी डज वी डू इज, हम
ये क्लोरेलिन लेते हैं, मतलब ये जो क्लोरेला है ये क्या रिलीज करता है, इससे हम एक एंटीबायोटिक बनाते हैं जिसका नाम है क्लोरेलिन, ठीक है। और ये हम यूज करते हैं एज एन एंटीबायोटिक अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के नाम है एस्केरिशिया कोलाय, ई कोलाय बहुत जगह पड़ा हुआ है ना, दिस ई कोलाय, एस्केरिशिया कोलाय इसकी जगह पे हम यूज करते हैं, ठीक है। सिंपल, कोई डाउट नहीं, इसमें एंटीबायोटिक के तौर पे हम यूज करते हैं, एग्जांपल है क्लोरेला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैराजिनिन, कैराजिनिन याद रखना है इसको, कैराजिनिन कुछ नहीं होता है, जस्ट अ पॉलीसेकेराइड। और ये जो पॉलीसेकेराइड इन द सेंस शुगर का ही फॉर्म ना, पॉलीसेकेराइड इज इन शुगर का ही फॉर्म, मोनोसेकेराइड पॉलीसेकेराइड सब आपको पता है, ठीक है। तो शुगर का ये एक फॉर्म है, व्हाट वी डू इज हम इसको यूज करते हैं इन सूप्स, इन सॉसेस, इन मिल्क शेक्स, इन चीज, इन जेलीज, इन क्रीम्स, इन फ्रूट जूस, ऑल्सो इन पेंटिंग एंड प्रिंटिंग, ये वहां पर यूज होता है, याद रखना। ये देखो कौन रिलीज करता है, ये कैराजिनिन कौन यूज करता है, कॉन्ड्रस करता है, और एक गिगार्टिना यूज करता निकालता है, गिगार्टिना, GIGRTINA, गिगार्टिना स्टेलेटा, ठीक है, गिगार्टिना स्टेलेटा निकालता है, क्या निकालता है, कैराजिनिन। कहाँ यूज होता है, इट्स अ पॉलीसेकेराइड, कहाँ यूज होता है, सूप, सॉसेस, मिल्कशेक, चीज, जेलीज, क्रीम्स एंड फ्रूट जूसेस, एंड आल्सो इन पेंटिंग्स एंड प्रिंटिंग्स, यहाँ यूज होता है कैराजिनिन, ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट इज अगार अगार, नाम सुना होगा लैब वैब में, अगार अगार का नाम सुना होगा, जल्दी चेक करो बताओ मुझे सुना है कि नहीं सुना है, अगार अगार, अगरोज जेल बोलते हैं, अगार अगार बोलते हैं, यस 0 नो, यस यस नो, ठीक है, दोनों मिक्स्ड हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं आगे चल के, अभी अभी आप अभी आप इस लेवल के लिए नहीं पता होगा आप लोगों को, अगार अगार इट्स लाइक अ जेली, इट्स अ जेलेटिनियस सब्सटेंस, जो हम लैब में कर, हमें कोई कल्चर बनाना होता है ना बैक्टीरिया का, लैब में अगर हम हैं, हमें कोई बैक्टीरिया को कल्टिवेट करना है, तो हम वो अगार अगार के अंदर करेंगे, इट्स लाइक अ जेली, इट्स लाइक अ जेली, उसके अंदर देर आर एवरी न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर हम करते हैं क्या, उसके अंदर हम करते हैं हमारा इसका बैक्टीरियाज एंड वायरसेस का कल्टीवेशन करते हैं लैब कंडीशन में, हम उनको उगाते हैं इसके अंदर, इट्स मोस्टली यू कैन कॉल इट इज अ सॉइल फॉर बैक्टीरियाज। अगर हमें बैक्टीरियाज वहाँ पे करने हैं, बैक्टीरियाज का कल्चर करना है, बैक्टीरियाज कल्टिवेट करने हैं लैब कंडीशन में, तो हम अगार अगार वी विल यूज इट एज अ बेस, मतलब वी विल टेक अ डिश, उसके अंदर हम अगार अगार डालेंगे, अगार अगार के अंदर हम सारे न्यूट्रिएंट्स डालेंगे जो उस बैक्टीरिया को चाहिए, फिर हम एक छोटा सा बैक्टीरिया का कल्चर उसके अंदर डाल देंगे, एंड दैट बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई बिकॉज उस पर्टिकुलर अगार अगार के अंदर उसके सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो इट इज अ नॉन नाइट्रोजिनियस कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ टू पॉलीसेकेराइड, दो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें, वन इज अगारोस एंड वन इज अगारोपेक्टिन, वन इज अगारोस एंड वन इज अगारोपेक्टिन, दैट यहाँ से नाम आता है इसका, अगार अगार, अगार अगार, अगारोस एंड अगारोपेक्टिन, ये दोनों पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें, ठीक है। कहाँ से निकलता है, यूजुअली फ्रॉम रेड अल्गी, रेड अल्गी देखा था हमने, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम एंड गिगार्टिना, गिगार्टिना ऊपर भी यूज होता है, देखो यहाँ पे भी है, एंड कॉन्ड्रस, इनसे निकलता है अगर अगर इट इज, अब देखो इसका बेस, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज इन सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्यूबल इन हॉट, अगर ठंडा पानी है तो वो नीम सॉल्यूबल होगा, नहीं वो घुलेगा उसके अंदर, बट अगर हॉट वाटर होगा तो वो घुल जाएगा। इट इज यूज एज अ बेस फॉर वेराइटी ऑफ कल्चर मीडिया, इट इज यूज एज अ बेस फॉर वेराइटी ऑफ कल्चर मीडिया, जहां भी हम लैब कंडीशन में बैक्टीरियाज हम करेंगे, गूगल कर लेना एक चीज, गूगल करना आप लिखो बैक्टीरिया कल्चर इन लैब्स, लिख लो आपकी नोटबुक या जहाँ भी आप लिख रहे हो बैक्टीरिया कल्चर इन लैब, जस्ट एक इमेज देख लेना, तो जहाँ भी एक आपको एक पेट्री डिश दिखेगी, एक राउंड कलर की डिश दिखेगी, उस डिश के अंदर यू विल सी डिफरेंट बैक्टीरियाज, तो वो जो बैक्टीरिया जिस चीज के ऊपर आए होंगे ना, दैट विल बी योर अगार अगार, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। हमने देखा न्यूट्रिएंट्स में काफी ज्यादा रिच है, तो इसमें हमारे मिनरल्स भी काफी सारे हमें मिल जाते हैं, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स भी हैं, द मेंबर ऑफ ब्राउन अल्गी कॉल्ड केल्प्स, तो ये ब्राउन अल्गी के ही मेंबर है जिनको हम बोलते हैं केल्प्स, हैव बीन यूज फॉर सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का सोर्स बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है, आयोडीन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, बट आयोडीन का यूज हमारी बॉडी के लिए ज्यादा है, ठीक है, मोस्टली ब्राउन अल्गी ही निकालते हैं, ये भी याद रखना, मोस्टली ब्राउन अल्गी ही निकालते हैं, इसलिए जब हम जब वो पढ़ रहे थे, जब हम वो चार्ट देख रहे थे, आई ऑल्सो टोल्ड यू कि ब्राउन अल्गी हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रिच सोर्स है पोटेशियम एंड आयोडीन के, आयोडीन पता होगा आपको, थायराइड जो होता है, गले में थायराइड जो होता है उसके लिए यूज होता है आयोडीन एज अ ट्रीटमेंट, फिर
25% ऑफ टोटल आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केल्प्स, ठीक है, 25% ऑफ टोटल आयोडीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम केल्प्स। केल्प्स कौन है? इट्स अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, इट्स अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड एनिमल्स, कोई डाउट हो तो तुरंत यहाँ पे 0 1 डाल के रिस्पॉन्स कर देना, क्योंकि ये सिंपल चीजें हैं इसलिए हम इस पर ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। 1 डालने की जरूरत नहीं है, नहीं आया तो 0 डाल देना। सीवेज डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल समझ रहे हो, सीवेज डिस्पोजल अपने पढ़ा होगा, सीवेज कैसे डिस्पोज करते हैं। ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी सच एज क्लोरेला एंड क्लैमिडियम्स आर यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड्स। जो सेप्टिक पॉन्ड्स अगर आप लोगों ने देखे हो, जो ये खराब पानी जो घरों से निकलता है, इट अंडरगो मैकेनिज्म, इट अंडरगो क्लीनिंग मैकेनिज्म, जहाँ पे वो पानी साफ होता है वहाँ पे व्हाट वी डू इज, वहाँ पे देर आर मेनी स्टेप्स कि हम पहले तो उसको स्ट्रेन करते हैं, सॉलिड पार्ट सॉलिड वेस्ट जो होता है वो उसको अलग करते हैं, देन व्हाट वी डू इज जितने भी उसके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटल डाउन करते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स, आई थिंक ये आपके अगली क्लास में है, 12th में है सीवे ये वाला चैप्टर। बाकी ये चीज़ आपने पढ़ी भी होंगी, आपने सेप्टिक टैंक्स भी देखे होंगे, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जहाँ पे ये सीवेज जो भी वेस्ट होता है यहाँ से हम वेस्ट निकालते हैं, तो जो पानी होता है उसको क्लीन करते हैं। इसमें क्या, वो देखो, दे आर यूज इन सीवेज डिस्पोजल पॉन्ड्स, दे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड रिस्टोर ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट हैपेंस इज अगर हम उस पर्टिकुलर पानी के अंदर उस पर्टिकुलर, हाँ 8th में था, जब हम उस पर्टिकुलर पानी उस पर्टिकुलर टैंक के अंदर व्हाट वी डू इज, हम अगर अल्गी छोड़ दें तो बताओ अल्गी क्या करेगा, अल्गी तो अपना लाइफ आगे चलाता रहेगा, तो अल्गी विल डू इज, अल्गी फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उस पर्टिकुलर वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड अल्गी लेता रहेगा एंड क्या निकालता रहेगा, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, वो वाटर हो जाएगा ऑक्सीजन रिच, क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ऑक्सीजन रिच, एंड दैट इज व्हाट वी वांट अ क्लीन वाटर विच इज ऑक्सीजन रिच, विच इज गुड फॉर एक्वेटिक प्लांट्स एज वेल एंड विच इज गुड फॉर नॉर्मल प्लांट्स एज वेल विच इज गुड फॉर आवर ड्रिंकिंग एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे वो काम आता है, वॉट इट डज इज सिंपल चीज है, क्या करेगा, अल्गी अगर कहीं पे डाल दिया तो अल्गी कार्बन डाइऑक्साइड तो लेगा ही, उसको फोटोसिंथेसिस करना है और वो क्या रिलीज करेगा, इट विल रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिसिन, सोडियम लेमिनिंग सल्फेट इज अ ब्लड एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट अगर आप नहीं समझते हो, एंटी कोएगुलेंट इज जब आपका ब्लड निकलने लग जाता है कहीं से, लाइक इफ यू गेट अ कट ब्लड निकल जाता है, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो वहां पे अपनी सारी फोर्स डाल देगा टू कोएगुलेट द ब्लड, टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम ब्लीडिंग, वो रोक लेगा उसको। इफ यू सी एक पर्टिकुलर एक रेड कलर का मार्क आ जाता है उसको, यू लाइक टू स्क्रैच इट ना, दैट इज एंटी कोएगुलेंट। तो व्हाट हैपेंस इज एक चीज है जिसका नाम है सोडियम लेमिनिंग सल्फेट, सोडियम लेमिनिंग सल्फेट, ये है एक ब्लड एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट मतलब कोएगुलेंट यानी जम जाना, एंटी यानी जमने से रोकना। अगर यहाँ पे कट लग रहा है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो जम जाए, इवन आपको आवाज आ रही है, भाई क्लियर बताओगे, आवाज आ रही है, आई जस्ट गॉट अ रिस्पॉन्स की नेटवर्क नहीं है, आप लोगों को आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, एक मिनट, अभी आवाज आ रही है यार, नेटवर्क का शेयरिंग, वाईफाई स्टॉप्ड वर्किंग, अब आवाज आ रही है, ओके ठीक है, चलो कनेक्ट कर लिया मैंने फोन से, चल रहा है, मे भी थोड़ा लैग करेगा, फोन का नेट इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है आ रही है, ओके। हम कहाँ थे, एंटी कोएगुलेंट पे थे ना,
देखो, कोएगुलेशन इज जम जाना, कोएगुलेशन इज जम जाना। हम चाहते हैं हमारे यहाँ पे कट हो ना, तो यहाँ पे वी वांट कि ब्लड क्लॉट हो जाए, ब्लड क्लॉट हो जाए, है ना। बट हम नहीं चाहते हमारे वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाए, हम नहीं चाहते हमारे वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाए। वेन में ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। और वेन्स में ब्लड क्लॉट हो गया तो ये जो सोडियम लेमिनिंग सल्फेट है, सोडियम लेमिनिंग सल्फेट, ये क्या करता है, इट वर्क्स एज अ ब्लड एंटी कोएगुलेंट, जो ब्लड है उसको जमने से रोकता है। इट वर्क्स एज अ सोडियम लेमिनिंग, इट वर्क्स एज अ ब्लड एंटी कोएगुलेंट। कौन, सोडियम लेमिनिंग सल्फेट ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, लेमिनिंग लेमिनेरिया, याद रखना लेमिनिंग से निकल रहा है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से हम निकालते हैं क्या, सोडियम लेमिनिंग सल्फेट। ठीक है, एंड ड्राइवेलिया हैज एंटी वर्म वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज। अगर वर्म्स वगैरह होते हैं उनको किल करने के लिए वी कैन यूज व्हाट, ड्राइवेलिया, ड्रूवेलिया, जो भी इसको बोलो, ड्रूवेलिया ही बोलेंगे वैसे तो। ये वर्क करता है एंटी वर्म, अगर वर्म्स वगैरह बॉडी में आ जाते हैं तो इट वर्क्स एज अ एंटी वर्म, इट हैज अ वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज। वर्मीफ्यूज बोलते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को, वर्मीफ्यूज पार्टीज प्रॉपर्टीज। तो ये सारे थे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ अल्गी। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट्स हमने बहुत सारे देख लिए, सारे थे पॉजिटिव इंपैक्ट्स। इकोनॉमिकली बेनिफिशियल क्या है अल्गी में, बट देर आर सम हार्मफुल इफेक्ट एज वेल। हार्मफुल यूजली नहीं पूछते हैं, बट अगर हम लिख दें वहां पर अपने आंसर्स में, तो वी विल आवर आंसर विल स्टैंड आउट, हमारा आंसर थोड़ा अलग दिखेगा बाकी बच्चों से। ठीक है, बाकी बच्चों का आंसर में ये नहीं होगा, हार्मफुल एस्पेक्ट नहीं होगा, बट हमारे आंसर में होगा, तो हमको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। यस, हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखो, अल्गर टॉक्सिसिटी है एक, अल्गर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इज समथिंग हार्मफुल। देखो, सम डाइनोफ्लैजेलेट लाइक पैरामीशियम गाइनोमोडियम, पैरामीशियम गाइनोमोडियम आर एक्सट्रीमली पॉइजनस टू फिशेस। ये अल्गी अगर उस पर्टिकुलर पॉन्ड में या उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में है, तो इट इज पॉइजनस टू हुम, इट इज पॉइजनस टू डाइनोफ्लैजेलेट्स लाइक पैरामीशियम गाइनोमोडियम। ठीक है, द ब्लू ग्रीन अल्गा कॉल्ड द माइक्रोसाइटिस सिक्रीट्स हाइड्रो हाइड्रोजेलमाइन, हाइड्रोजेलमाइन इट्स नॉट ओनली किल्स एक्वेटिक लाइफ, वाइल लेबना क्लोरेला में ऑल्सो कॉज स्किन एलर्जीज इन ह्यूमन। ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। देखो, अल्गल टॉक्सिसिटी मतलब अगर कहीं पे अल्गी प्रेजेंट हैं इन अ क्वांटिटी, इन अ गुड क्वांटिटी, तो दे हैव डिफरेंट डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट। लाइक जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना, ये पॉइजनस किसके लिए हैं, फिशेज के लिए हैं। क्लोरेला पॉइजनस या फिर एलर्जिक किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए है, स्किन में एलर्जीज हो जाती है उससे। ठीक है, माइक्रोसाइटिस क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ किल करता है बिकॉज इट सिक्रीट्स हाइड्रोजेलमाइन। ठीक है, हाइड्रोजेलमाइन किल्स एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, एंड वाई लिंगिबिया एंड क्लोरेला आर एलर्जिक टू ह्यूमन बींग्स, स्किन, हमारी स्किन के लिए वो एलर्जिक है। तो ये है अल्गल की टॉक्सिसिटी, मतलब अल्गल का, अल्गीज का हार्मफुल इफेक्ट। फिर हम देखते हैं अल्गी पैरासिटिज्म, अल्गल पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म पैरासिटिक, पैरासाइट से कुछ समझ में आता है, पैरासाइट मतलब वो हमारी बॉडी पे रहेगा एंड हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन भी ड्रॉ करेगा एंड हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचाएगा, दैट इज पैरासाइट। ठीक है, एक होता है सिम्बायसिस, साथ में रहना, तू मुझे शेल्टर दे मैं तुझे न्यूट्रिशन दूंगा, दैट इज सिम्बायसिस एंड दिस इज पैरासाइट। मैं तेरी बॉडी पे आके रहूंगा भी एंड तुझसे न्यूट्रिशन भी ड्रॉ करूंगा एंड तुझे हार्म भी करूंगा, दिस इज पैरासाइट, दिस इज पैरासाइट। तो अल्गीज काफी हैं, सारे काफी अल्गीज हैं जो एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं, एज अ पैरासाइट वर्क करते हैं। देखो, जो सिफेल्यूरस है, सिफेल्यूरस है, रेड एल्गी में आते ही ना जाता है इसको, सिफेल्यूरस है, ये रेड रस्ट करता है टी पे, टी लीव्स, अगर आप देखो टी लीव्स में सम टाइम टी लीव्स पे रेड कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, लुक्स लाइक की स्पॉट्स, इन द सेंस स्पॉट नहीं आएंगे, एक साइड से लीफ का एक साइड से रेड कलर होना शुरू हो जाएगा, आपने अगर ऑब्जर्व किया है तो दिख जाते हैं, वैसे नॉर्मल लीफ पे देखे होगा, टी लीफ पे नहीं देखे होंगे। टी लीफ एक साइड से थोड़ा थोड़ा रेड होने लगता है, रेड यानी रस्टी होने लगता है, आपको लगता है कि इसके ऊपर, लीफ के ऊपर कुछ लग गया है, बट वो लीव ही रेड होने लगता है बिकॉज ऑफ व्हाट, अल्गल पैरासिटिज्म। वहां पे अल्गीज हैं, ऐसे अल्गीज हैं जो टी लीव को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है, वो अल्गी का नाम है सिफेल्यूरस। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पूछा गया है दो तीन बार, एग्जाम्पल याद रखना, मे बी संडे के एग्जाम में आएगा। सिमिलर डिजीज आर कॉज्ड बाय स्पीसीज ऑफ सिफेलोरस टू कॉफी के प्लांट, टी के प्लांट में भी ऐसा डिजीज करते हैं। टी के प्लांट में क्या कर रहे हैं, रेड रस्ट कर रहे हैं, रेड रस्ट इज द काइंड ऑफ डिजीज जो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत, अभी हायर क्लासेस में आती है, हायर मतलब
बीएससीज वगैरह आती है, अभी नहीं आएगी तो ठीक है। टी लीव डिस्ट्रॉय करते हैं, कॉफी लीव डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। आगे स्पीसीज दी है, पाइपर एंड साइट्रस प्लांट्स, पाइपर्स एंड साइट्रस, इनकी स्पीसीज को भी क्या करते हैं वो हार्म करते हैं। कौन करता है? सिफेरियरस करता है, कॉफी के, पाइपर के एंड सिट्रस के, सिट्रस की जितनी स्पीसीज है सबको करते हैं, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया, ये हार्मफुल इफेक्ट समझ में आ गया इसका, एंड पॉजिटिव इफेक्ट भी समझ में आ गया। बताओ जल्दी, बताओ आ गया, ठीक है। अब हमारे पास वी हैव 10 मोर मिनट्स, व्हाट वी विल डू इज हम स्पायर वगैरह जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है। वी हैव 10 मिनट्स, हम खत्म कर सकते हैं आराम से इसमें, क्योंकि स्पायर वगैरह में कुछ नहीं है, पूरा अल्गी के ही सारे कैरेक्टर्स हैं। व्हाट इज द थिंग व्हिच इज डिफरेंट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्गी इन स्पायर वगैरह। तो हम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, इसको हम क्या करते हैं फटाफट रीड कर लेते हैं। देखो स्पायर वगैरह हमने देखा, फिलामेंट जो हमने, अगर हमने अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, उसमें जो पहला जो डायग्राम है, बाद में जाके देखना, अभी मत देखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला डायग्राम देखा हमने, जो ऐसे ऐसे करके जो ब्रांच थे उसके अंदर ऐसे स्पायरल डीएनए वो था, उसका क्लोरोफिल था, एंड फिर ये ऐसे फ्रेगमेंटेशन देखा था, ऐसे टूट जाता है, बीच में से कट हो जाता है, ये एक नया प्लांट बना देता है और ये एक नया प्लांट बना देता है, जस्ट दैट वाज स्पायर वगैरह, अगर आपको याद नहीं आ रहा, ग्रीन कलर का होता है, इट इज अनब्रांच, ठीक है। इसमें ये ऐसे ना, ये लंबे लंबे होते हैं, बट देन में कोई ब्रांचिंग नहीं, मतलब यहाँ से आपको ऐसे नया स्पायर वगैरह निकलते हुए नहीं दिखेगा, नॉट लाइक ए ट्री, अनब्रांच होंगे, ग्रीन अलगा है। वॉइस नहीं आ रही, कम आ रही है या नहीं आ रही है? अरे यार अभी अभी वॉइस आ रही है, अभी आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी। ओके देखो, इट इज अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड है ये जो स्पायर वगैरह है ना, अनब्रांच्ड होगा, दे विल बी अनब्रांच्ड, ये कभी भी, ये अंदर जो मैं बना रहा हूँ डीएनए नहीं बना रहा हूँ, क्लोरोफिल बना रहा हूँ, स्पायरल क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, डायग्राम देख रहे ऊपर है। इट इज अनब्रांच्ड फिलामेंटस, ग्रीन कलर के, ग्रीन अल्गी है, क्लोरोफाइसी है ये, ठीक है। स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलते हैं, विच इज फ्री फ्लोटिंग मासेस, मासेस बहुत सारी क्वांटिटी में फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, कौन? स्पायर वगैरह, ठीक है। पॉन्ड्स कम भी बोल जाते हैं इनको जब, क्योंकि ये बहुत सारी क्वांटिटी में रिवर्स के ऊपर ऐसे ऊपर आपको फ्लोट करते हुए दिखेंगे। फिर से क्या शुरू हो गया, ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो आ रही है नहीं आ रही है? नहीं आ रही, चलो तो आ रही है, कोई बोल रहा आ रही है, कोई बोल रहा नहीं आ रही है, तो एक काम करते हैं, चलो अभी मे भी कुछ इश्यू होगा, तो व्हाट वी विल डू इज हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करें, फिर नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करें। आ रही है, इट्स ऑल राइट, नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है। एक बार रीड कर लेना, उसमें कुछ भी वो नहीं है, बहुत ईजी है, रीड करके आ जाना, ये पूरा आ रहा है, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर ये पूरा आ रहा है आपको, जो संडे का टेस्ट है। वी हैव ऐसे कल क्लास, तो कल 10 मिनट स्टार्टिंग के, 10 मिनट्स में हम ये खत्म कर देंगे, एंड फिर विल स्टार्ट विद ब्रायर वैक्स, ओके ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप अभी जा सकते हो, यू कैन चिल रिलैक्स जो करने का। अब सम आर सेइंग डू इट नाउ, बट वी ऑल्सो हैव टाइम कंस्ट्रेंट ना, टाइम भी तो नहीं है हमारे पास। It's okay, we'll continue tomorrow. Thank you so much for joining. Goodbye. Have a nice day.